स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हमको इस तरह से लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इसको देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर यहां पर लिखा हुआ है मान लीजिए dx बाई डी टी, इसका मतलब यह हुआ कि x के चेंज होने का रेट t के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जानते हैं अगर यह x डिस्टेंस हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो फिजिक्स में डिफ्रेंसिएशन का अक्सर यूज होता रहेगा, तो आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत ना हो तो हम लोग पहले ही डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स, इसका मीनिंग ये हुआ डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका ये मीनिंग हुआ। dx बाई डी टी का मीनिंग क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो कुछ उस फार्मूले को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट जीरो होगा, तो जब वैल्यू कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं होगा किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगला फार्मूला, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। अगला डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता है। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए ये जो मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो है क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए है, जो अभी अभी क्लास इलेवेंथ में गए हैं। और शुरू में क्या है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें जो है डिफ्रेंसिएशन का यूज होना शुरू होगा। ये डिफ्रेंसिएशन आप लोग ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स में, इलेवेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ पर उतना ही डिफ्रेंसिएशन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका काम हो जाए, बाकी सारी चीजें आप जो है मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन सीखने के लिए ये बेसिक जो फार्मूले हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको याद होना चाहिए, फार्मूले के बेसिस पर ही हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर फोर, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे एक्स के पावर एन वाला, तो फार्मूला है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा 4x के पावर 4 माइनस वन मतलब 4x क्यूब। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 4x क्यूब। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब मान लीजिए हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब x के पावर 1 बाई टू। अब यहां पर n की वैल्यू 1 बाई टू है तो फिर x के पावर n वाला फार्मूला एन एक्स के पावर एन माइनस वन। आइए थर्ड देखते हैं, डी डी एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका होल स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, इस तरह से। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस टू प्लस टू।
अब डिफरेंशिएशन ऐसे प्रोडक्ट की तरह होता है, इसको क्या करेंगे तीनों पर अप्लाई करेंगे, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो उसी जगह पे रहेगा। देखिए तो इसको करेंगे हम लोग डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस करते, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर माइनस टू, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ टू। अब देखिए इसमें एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो टू एक्स के पावर टू माइनस वन, यहां पर एन की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू एक्स के पावर माइनस टू माइनस वन कॉन्स्टेंट का जीरो। तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है, टू एक्स माइनस टू एक्स के पावर माइनस थ्री, इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस टू अपान में एक्स के पावर थ्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डी डी एक्स रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए इस एग्जांपल में क्या करना चाहिए हमको, पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा। अब हम इसको इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ, देखिए वन बाई एक्स का मतलब एक्स के पावर माइनस वन, प्लस डी डी एक्स ऑफ टू। अब एक्स का वन होता है, इसका एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन और कॉन्स्टेंट का जीरो, तो कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स के पावर माइनस टू, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक u है और दूसरा v है, और दोनों का प्रोडक्ट है, तब फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन करने का। तो इसमें पहले फंक्शन को बाहर निकालेंगे, मान लीजिए पहला फंक्शन u है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकालेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं इसको। मान लीजिए हमको करना है एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें x एक फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को बाहर निकाला, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकाला, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो x को बाहर निकाला साइन x का cos x, प्लस साइन x को बाहर निकाला x का 1, तो कितना हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस पर प्रोडक्ट रूल पर। मान लीजिए हमको करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, तो चलिए तो पहले को बाहर निकाले, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर निकाले, पहले का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाले, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, e के पावर x बाहर निकाले एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया e के पावर x चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, x भी कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस टू, ये आंसर आ गया। अब आइए डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन फार्मूला देखते हैं। देखिए डिवीजन फार्मूला क्या है, अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है डी डी एक्स और हमारे पास है u बाई वी, मतलब दो फंक्शन का डिवीजन है, तो उसके लिए फार्मूला होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमको करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो ये न्यूमरेटर हो गया एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर हो गया एक्स माइनस वन, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x माइनस वन, इसको जब अंदर अप्लाई करेंगे तो x का वन होगा और वन का जीरो होगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस x प्लस वन, इसको जब अंदर अप्लाई करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन वन और वन का जीरो, डिवाइड बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस टू अपान में x माइनस वन का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर। आइए कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए हमको करना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, हालांकि ये टेन एक्स होगा और इसका फार्मूला हम लोग लिखे हुए हैं सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसको हम लोग चाहते हैं कि डिवीजन वाले फार्मूले पर रखें और देखें कि सेक स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं आता है। तो देखिए फार्मूला क्या है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए कॉस एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर की वैल्यू आ गई वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, तो वन अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल इन डिफ्रेंसिएशन, जो कि बड़ा ही जरूरी है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझ पाएंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे तब बात समझ में आएगी। अब मान लीजिए हमको डिफ्रेंसिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का, ये हमको डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो चेन रूल के हिसाब से करेंगे। देखिए हमको साइन एक्स का फार्मूला पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको साइन के हिसाब से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को मानेंगे कि यहां पर मान लीजिए कि एक्स ही लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अंदर जो भी क्वांटिटी है या जो भी लिखा हुआ है इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा टू एक्स आएगा। पहले क्या करना है, पहले साइन लिखा है तो साइन के हिसाब से करेंगे, तो साइन का कॉस होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर यहां अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका भी दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे इन टू में लेकर के, तो आएगा टू एक्स। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा आ चुका है टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमको करना है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स, तो पहले हम ई के पावर के हिसाब से करेंगे, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, इसका मतलब क्या होगा ई के पावर के हिसाब से करेंगे तो ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा, फिर हम लोग साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, मान लीजिए आप हमको दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ ई के पावर साइन लॉग एक्स, मान लीजिए सपोज दैट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहले e के पावर के हिसाब से करेंगे, तो e के पावर जो भी होता है वही आता है उसका डिफ्रेंसिएशन। अब हम साइन के हिसाब से करेंगे तो साइन का कॉस होता है, तो हो जाएगा हमारा कॉस लॉग एक्स। अब हम लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का होगा वन बाई एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से चेन रूल समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस हमको ये देखना होगा कि हमको एकदम लास्ट तक करना है। अब मान लीजिए करना है डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमको करना है एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो एक ठो तरीका है कि हम इसका होल क्यूब करें फिर करें डिफ्रेंसिएशन, और एक तरीका ये है आप इस पूरे को मानिए कि ये एक्स ही लिखा हुआ है, तो एक्स के पावर थ्री, तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो थ्री
टू एक्स के एक्स प्लस वन की जगह एक्स ट्रीट कर रहे हैं, तो थ्री एक्स के पावर थ्री माइनस वन मतलब टू। अब यहीं पे छोड़ नहीं देंगे, अंदर वाले का भी दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक्स का वन और वन का जीरो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा। अब आइए कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि इफ वाई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू टू टी, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। अब हमको y जो है वो t का फंक्शन दिया है, x भी t का फंक्शन दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब y इज इक्वल टू दिया है थ्री टी स्क्वायर, तो पहले हम dy बाई डी टी निकालेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो थ्री बाहर टी स्क्वायर का टू टी, तो कितना आ जाएगा, सिक्स टी आ जाएगा। और यहां पर देखिए x इज इक्वल टू टू टी दिया हुआ है, तो इसका पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, कांस्टेंट चीजें बाहर हो जाती हैं, टी का डिफरेंशिएशन वन, तो कितना आ गया, टू आ गया। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। भाई टी से दोनों में डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना चाहिए हमको, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितना है, सिक्स टी, और डी वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, टू, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, थ्री टी, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह अगर वाई किसी दूसरे फंक्शन में दिया हो, एक्स भी किसी दूसरे के फंक्शन में दिया हो, और डी वाई बाई डी एक्स पूछे, तो पहले हमको डी वाई बाई डी टी निकाल लेना चाहिए, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेना चाहिए, फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब आइए कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको फंक्शन के पावर फंक्शन दिया है, तो हमको लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करना चाहिए, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, और हमसे पूछ दिया कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये हमसे पूछ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको दिया है y बराबर x के पावर x, अब हम लोग यहां पर दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए लॉग क्या है वो इधर देख लेते हैं, एक छोटा सा कुछ बेसिक फार्मूले लॉग में है। लॉग m के पावर n अगर रहेगा, तो उसका फार्मूला है n लॉग m, लॉग m इंटू एन रहेगा तो उसका फार्मूला है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाई n रहेगा तो उसका फार्मूला है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 10 की वैल्यू टेस्ट 10 के बेस पे 1 होती है, लॉग e की वैल्यू बेस e पर 1 होती है, लॉग टू की वैल्यू 0.3010, लॉग थ्री की वैल्यू 0.47712 13। लॉग का एक दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, दोनों तरफ लॉग ले ले रहे हैं, तो क्या लगा देंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स। अब देखिए लॉग वाई इज इक्वल टू, अब यहां पर फार्मूला एम के पावर एन वाला लगेगा, ये पहला वाला फार्मूला, एन लॉग एम पावर बाहर आ जाता है, तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, अब लॉग वाई का क्या होगा, वन बाई वाई, चूंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला बाहर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, इस वाई का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स। अब वाई की वैल्यू है क्या, एक्स के पावर एक्स है, तो एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे जिसमें फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो हमेशा हमको दोनों तरफ लॉग लेकर के तब डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।